Hello students, welcome to the second part of the video of chapter 8, tens and ones. First part में हमने revision capsule की exercise की थी. आज हम करने वाले हैं practice time की exercise. बराबर? आपने revision तो अच्छे से कर लिया होगा. चलिए start करते हैं exercise. Question 1, write the place value of 9 in 19. देखिए हमने सीख लिया है कि राइट साइड का जो फर्स्ट नंबर है वो वंस की प्लेस है, इसके बाजू में जो नंबर है लेफ्ट में वो टेंस की प्लेस है. सो अभी 9 ये वंस की प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू है सिर्फ 9. वैसे ही अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन बी, 2 in 26. देखो ये 2 टेंस की प्लेस पर है, वैसे भी हम 2 को क्या बोलते हैं ये नंबर में 26, सो 2 10 की प्लेस पर है उसकी प्लेस वैल्यू होगी 20. 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 6. 1 in 91, देखो 91 वंस की प्लेस पर है, वैसे भी हम बोलते हैं 91 इसीलिए बोलते हैं कि ये 1 वंस की प्लेस पर है उसकी वैल्यू 1 है. चलिए 6 in 65 के अंदर ये 6 ये रहा टेंस की प्लेस है तो प्लेस वैल्यू 60. 7 in 71 तो 71 के अंदर ये 7 टेंस की प्लेस पर है ना, प्लेस वैल्यू क्या होगी 70. वैसे ही 4 in 43 प्लेस वैल्यू है 40. चलो आगे चलते हैं. 36 यहां पर दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स फिल अप करनी है तो ये नंबर को ब्रेक करना है और जो भी बॉक्स है ना वहां क्या प्लेस वैल्यू आएगी वो लिखना है. 36 में ये प्लेस वैल्यू 3 की लिखनी है और 6 की प्लेस वैल्यू प्लस करके यहां दिखाई है 36, ये 6 है ही, 3 10 की प्लेस पर है तो यहां लिखेंगे 30. चलो इजी है ये सब, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. चलो अब यहां पर लिखना है, देखो 4040 + 9 ऐसा कहा है तो ये 9 तो वंस की प्लेस वाला है तो ये 9 लिखा तो यहां पर 9 लिख देते हैं और 40 आगे है, ये 40 टेंस की प्लेस वाला फिगर है तो कौन सा फिगर यहां होगा जिसकी प्लेस वैल्यू 40 होती है, ये तो 4 होना चाहिए, तभी तो 4 की प्लेस वैल्यू टेंस के प्लेस पर है ना, ये तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 40. बराबर? चलो 70 + blank = 71. देखो 71 में 7 की प्लेस वैल्यू 70 उन्होंने दे दी और ये 1 वंस की प्लेस है ना, यहां पर 1 लिखना है, 70 + 1 = 71. चलिए ये जैसा ये बी क्वेश्चन किया ना वैसा ही यहां पर है. बराबर? चलो blank + 4 = 64. देखो ये 4 वंस की प्लेस पर है और ये नंबर में 4 वंस की प्लेस पर है ही, ये 64 में 6 टेंस की प्लेस है ना तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 60. ये सब उलट पुलट करके दिया है, देखो यहाँ पर वो फर्स्ट 36 और उसके बाद इज इक्वल टू है और फिर ये ब्रेक डाउन है, यहाँ ब्रेक डाउन आगे ले लिया और नंबर पीछे ले लिया. चलो वो सब कंफ्यूज करने के लिए आपको, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है. 80 + 2, देखो ये ब्रेकअप दिया है नंबर लिखना है, 80 + 2 क्या होगा 80 + 2 तो 82. चलिए 90 + क्या करेंगे तो 92 हो जाएगा, 90 + 2. बराबर? 90 टेंस की प्लेस है, 90 में से टेंस की प्लेस पे 9 गया और ये 2 वंस की प्लेस पर है तो यहां पर हमने 1 लिख दिया. चलो 63 को ब्रेकअप कैसे करेंगे, 6 टेंस की प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू 60, 3 वंस की प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू 3 हो गया. ऐसे ही देखो ये ब्रेकअप दिया है 10 + 7,
क्या होगा? 17। नहीं समझे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, अगर मैं समझाऊंगा तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, ऐसा लगता है ना, क्योंकि तो आपको ये सब इजीली आ चुका है, अभी ज्यादा समझाने की जरूरत है ही नहीं। चलिए मैच द फॉलोइंग। देखो अब ये नंबर्स दिए हैं और यहाँ पर नंबर्स का ब्रेकअप दिया है, हमें मैच करना है। देखो 66, वंस की प्लेस पर भी 6, 6 की प्लेस पर भी, तो इसका ब्रेकअप क्या होगा? 6 0 60 प्लस 6 बराबर। ऐसे भी ब्रेकअप दे सकते हैं कि 6 10s प्लस 6 1s, ये रहा 6 10s प्लस 6 1s, 3 नंबर पे करो मैच ऐसे। चलो 74 में 7 10s 4 1s, ये रहा नंबर वन पे है ये तो। चलो फिर आगे 55 10s 0 1s, ये रहा 5 10s 0 1s। 36, अरे दिखता ही नहीं है सर, बुक को ऊपर हटाओ। देखो अब हटा ली मैंने बुक, अब दिखेगा ना। 50 में 5 10s 0 1s, ये रहा मैच किया। 36 में 3 10s 6 1s, ये रहा। 49 में 40 4 10s 9 1s। चलो ये टेंस और वंस का चैप्टर तो बहुत इजी है, चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या कहा है, देखो यहां पर क्या कहा है, यहां पर ड्रॉ द 10 रुपीज नोट्स एंड 1 रुपीज कॉइन यू विल गिव फॉर दिस थिंग्स। भाई हम शॉपिंग करने गए, हमारे पास क्या है? हमारे पास बहुत सारी 10 रुपीज की नोट्स है, बहुत सारे 1 रुपीज की कॉइन है, तो हम वो शॉपकीपर को ये चीज के बदले में क्या देंगे, कितनी नोट्स देंगे, कितने कॉइन्स देंगे? देखो यहाँ पर बुक्स हमने परचेस की 60 रुपीज की, बोलो 60 रुपीज की बुक्स परचेस की, 10 रुपीज की कितनी नोट देनी पड़ेगी हमें? भाई 10 रुपीज की 6 नोट्स देनी पड़ेगी, कॉइन देना ही नहीं है इसको, बराबर। कॉइन क्यों देने का भाई, उसके पास हमारे पास है ना। तो देखो 6 नोट्स, 10 की 1, ऐसे बॉक्स बना देने, 2 3 4 5 और ये 6 नोट्स हो गई। तो हमने बुक्स परचेज कर ली और 10 रुपीज की 6 नोट शॉपकीपर को दे दी। अब ये स्कूल बैग हमने परचेज की 92 रुपीज वाली, तो भाई उसको क्या देंगे? देखो प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, देखो ये तो 60 परफेक्ट था ना, 6 10s 0 1s बराबर। 92 में 9 10s यानी कि 90 प्लस 2 1s यानी कि 2, सो 90 रुपीज हमें 10 की नोट में और 2 रुपीज कॉइन में देने हैं बराबर। तो 90 रुपीज 10s में देंगे तो कितनी नोट देनी पड़ेगी? 9 नोट देनी पड़ेगी। तो यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जगह कम पड़ेगी हमें। तो देखो 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 5, जगह तो कम पड़ने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9 नोट तो बना दी। अब 3 कॉइन्स भी बनाएंगे ना, 3 कॉइन्स अब यहाँ पर छोटे छोटे बना देते हैं, क्या करेंगे जगह नहीं है। तो ये 1 रुपीज का नहीं, 3 नहीं 2 कॉइन ही बनाने हैं, 92 रुपीज है ना। चलो हो गया, तो हमने शॉपकीपर को 9 नोट्स और 2 कॉइन्स दिए। चलो 55 को ब्रेक करेंगे तो 5 10s यानी 50 प्लस 5 रुपीज बराबर। इसमें जगह कम नहीं होगी क्योंकि जगह हमें 5 नोट्स ही बनानी है। चलो तो 1 2 3
और ये 5 नॉट हो गई, 50 रुपीज हो गए। अब 5 कॉइन दे देंगे उसको, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन और 5 कॉइन। तो चलो शॉपकीपर से हमने ये क्रेयोन भी शॉप परचेस कर लिए 55 रुपीज के। चलो तो ऐसे हमने नोट्स और कॉइन्स की मदद से भी सीख लिया कि नंबर को ब्रेकअप कैसे करेंगे। चलो अब आगे चलते हैं सामने वाले पेज पर। तो क्वेश्चन 5, फूड पैकेट्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल। भाई स्कूल में फूड पैकेट्स देने हैं। टीम्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स हैव टू बी मेड टू हेल्प द डिस्ट्रीब्यूशन। भाई डिस्ट्रीब्यूशन पूरी स्कूल में फूड पैकेट देने हैं, तो हेल्प के लिए 10 10 स्टूडेंट्स की टीम बनानी है, बराबर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन दैट हैव टू हेल्प आर बिलो। यहाँ पर अलग अलग क्लासेस दिए हैं और हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो लिखे हैं। हमने हमको इसी में से टीम बनानी है, 10 10 स्टूडेंट्स की वन टीम। क्लास 10A में 34 स्टूडेंट, 10B में 46, 10C में 52, 10D में 28 स्टूडेंट्स है। हाउ मेनी टीम्स विल देयर बी इन ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन में कितनी टीम बनेगी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट। कितने बच्चे बाकी बच जाएंगे। भाई हमें 10 स्टूडेंट्स की ही टीम बनानी है, बराबर। तो यहाँ पर देखो 34, तो 34 को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, 30 प्लस 4, तो 30 स्टूडेंट्स है ना, तो 10 10 स्टूडेंट्स की तीन टीम बनेगी। 46, तो 40 4 10s की प्लेस पर है, 40 और 6, 40 स्टूडेंट्स हो गए। 40 स्टूडेंट्स में से 10 10 स्टूडेंट्स की फोर टीम बनेगी। 52, सो 5 10s की प्लेस पर है, तो 50 और ये 2, 5 टीम बनेगी। यहां पर 2 बचेंगे, 28, सो 2 10 की प्लेस पर है, तो 20 और 8। सो आफ्टर ब्रेकिंग अप द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास इन 10s एंड 1, वी कैन इजिली आंसर द क्वेश्चन। तो हमने ये स्टूडेंट्स के नंबर को ब्रेक कर लिया। अब क्वेश्चंस देखते हैं, हाउ मेनी टीम्स विल देयर बी इन ईच सेक्शन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट। तो 10A 34 स्टूडेंट्स, 30 प्लस 4, ये 30 स्टूडेंट्स है, 10 10 की 3 टीम बनेगी। 4 स्टूडेंट्स यानी कि जो 1s की प्लेस पे हैं वो बाकी बचेंगे। क्लास 10B 46 स्टूडेंट यानी 40 प्लस 6, 40 स्टूडेंट्स यानी 4 टीम, 6 स्टूडेंट विल बी लेफ्ट। 10C 52 स्टूडेंट्स मीन्स 50 प्लस 2, 50 मीन्स 5 टीम, 10 10 की बनेगी, 2 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा। क्लास 10D 28 स्टूडेंट्स मीन्स 20 प्लस 8, 20 मीन्स 2 टीम एंड 8 स्टूडेंट्स विल बी एक्स्ट्रा लेफ्ट। ओके नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ऑल। सब मिला के कितने स्टूडेंट्स बाकी बचे। देखो 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 8 प्लस 2 करेंगे तो और भी 10 हो जाएगा। देखो ये तो नंबर ऐसे मैच हो रहे हैं इसलिए मैंने किया, वरना 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8 करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ऑल। कितने स्टूडेंट्स बाकी बच जाएंगे, कोई भी टीम में नहीं आएंगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स ये रहे 20, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर टीम्स कैन बी मेड विद ऑल दिस स्टूडेंट्स लेफ्ट। ये जो बाकी बचे हैं 20 स्टूडेंट्स, उसमें से कितनी टीम बनेगी। भाई 10 स्टूडेंट्स की 1 टीम बनती है, तो 20 स्टूडेंट्स की 2 टीम एक्स्ट्रा बन सकती है। वैसे भी देखो यहां पर 10 10 के ही मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं, है ना। चलिए ये तो इजी था, हो गया। चलो आगे चलते हैं, बराबर। आगे कहां चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या कहा है देखते हैं। चलो 1
बॉक्स, वन बॉक्स स्टैंड फॉर 10 कार्ड, यानी कि ये जो बॉक्स है ना उसका मतलब हमें लेना है 10 कार्ड्स, एंड वन ट्रायंगल स्टैंड फॉर 1 कार्ड, एक ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका इसको समझना है 1 कार्ड। विच कार्ड विल यू यूज इफ यू हैव काउंटेड अप टू 23, 47, 20? भाई तो अगर 23 तक हमने काउंट कर लिया बराबर, तो कितने कार्ड कौन से पसंद करोगे आप? मुझे इसके लिए पहले तो लाइन बना देनी है यहाँ पर, ऐसे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी फिर बराबर। चलो लाइन इसीलिए बना दी कि हमें वो जो ड्राइंग करना पड़ेगा ना वो मिक्सअप नहीं हो जाए। चलो 23 बराबर, 23 तो इसका मतलब क्या है, इसको ब्रेकअप करेंगे। 20 प्लस 3, देखो 20 यानी कि 2 टाइम 10 हो गया बराबर ना, तो ये बॉक्स का मतलब है 1 कार्ड, 10 कार्ड, तो 20 के लिए हमें 2 कार्ड्स बनाने चाहिए, तो ऐसे 1 और 2 बॉक्स बना दिए, और 3 है ये एक्स्ट्रा 3, ट्रायंगल का मतलब है 1 कार्ड, तो 3 के लिए हमें 3 कार्ड ऐसे बनाने पड़ेंगे। चलो फिर 47, तो 40 40 प्लस 7 40, यानी कि 4 टाइम 10 बराबर ना, तो ऐसे 4 कार्ड बनाने पड़ेंगे बराबर, और 7 ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। अरे बाप रे, 7 1 2 3 4 5 6 और 7। चलो अब 20 20 को ब्रेकअप करेंगे, तो 20 प्लस 0, 2 10 की प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू 20, और 0 की प्लेस वैल्यू 0 0 1, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 कार्ड ऐसे बॉक्स बना देंगे तो चलेगा। 52, सो 5 की प्लेस वैल्यू 50 है और 2 की प्लेस वैल्यू 2 है बराबर, 1 बॉक्स का मतलब 10, तो 50 के लिए 5 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, और ट्रायंगल 2 बनाने पड़ेंगे। चलो हो गया। 72 के लिए 70 प्लस 2 बराबर, अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, 7 बॉक्स स्क्वायर कार्ड बराबर, बनाते जाओ बनाते जाओ, 7 और 2 ट्रायंगल, 72 है ना। चलो और 80 में, ये 20 में जैसे 20 प्लस 0 लिखा वैसे ही 80 में 8 की प्लेस वैल्यू 80 और 0 की 0, 8 बॉक्स बनाने हैं, आप बना देना खुद। चलो आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन 7, रीग्रुप द फॉलोइंग। देखिए यहां पर हमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है और इसको हमें रीग्रुप चेंज करके लिखना है। देखो कैसे दिया है, 2 10s 11 1s, भाई इसको रीग्रुप करना पड़ेगा, हम सीख चुके हैं। देखिए यहां पर भी दिया है ना, तो ये 2 10s 3 1s 4 10s 7 1s, यानी कि वंस की डिजिट जो भी होगी वो सिंगल 1 डिजिट ही होगी, यहां तो डबल डिजिट दी है, यानी समथिंग इज रॉन्ग, इसको हमें रीग्रुप करना पड़ेगा। देखो मैं यहां पर रफ में आपको दिखाता हूं, देखो यहां पर ऐसे में शॉर्ट में लिखता हूं, टेंस प्लस वंस, अभी यहां पर नंबर 1 में है 2 10s और 11 1s। भाई अब थोड़ी देर के लिए आप टेंस को भूल जाओ, तो 11 1s तो डबल डिजिट हो गई, 11 में 2 डिजिट है, तो ये क्या है, वंस है, और ये क्या है,
टेंस है, तो 11 का ब्रेकअप ऐसे होगा, 1 10 प्लस 1 1, बराबर ना, 1 1 ऐसे, 1 1s। तो चलिए, अब हमारे पास 2 10s तो पहले से दिया ही है, और ये 11 1s में से 1 10 निकला, सो ये 2 प्लस 1 इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, 3 10s, और 1s तो एक ही बचेगा, बराबर। चलो इजी है ये, डिफिकल्ट नहीं है, मैं दूसरा ये सेकंड भी समझाता हूँ। चलो 5 10s 20 1s, भाई 5 10s, तो देखो टेंस की लाइन में क्या आएगा, 5, फिर 1s की लाइन में 20, भाई 1s की लाइन में 2, ऐसे 2 डिजिट तो हो नहीं सकती, तो इसका ब्रेकअप करो, क्या ब्रेकअप करोगे, 2 10s प्लस 0 1s, बराबर ना, क्योंकि ये 1s में जो 20 दिया है वो गलत है, सो 20 में से 2 10s निकलते हैं, और हमें 5 10s तो पहले से दिए हैं, सो 5 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितने टेंस होंगे, 7 10s प्लस 0 1s, ऐसा होना चाहिए, तो 7 10s 0 1s। चलो नेक्स्ट, 6 10s 13 1s, 6 10s 13 1s ऐसा कहा है, पर ये 13 2 डिजिट है, इसका ब्रेकअप क्या होगा, क्या होगा, 1 10 प्लस 3 1s, 6 10s हमारे पास पहले से है, और ये 1 10 इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 10s, 1s तो सिर्फ 3 बचेगा। चलो तो अब आप यहां पर डायरेक्ट भी कह सकते हैं, देखो 13 में 1 10 एक्स्ट्रा यहां मिल गया, 20 में 2 10 ऐड हो गया, 11 में 1 10 यहां पर ऐड हो गया, तो 8 10s 18 1s में ये जो 1 10 है ना, 8 10s में ऐड कर लो, 8 प्लस 1 क्या होगा, 9 10s, और 8 1s बचेंगे बाकी। ऐसे ही यहां पर करो, 4 10s प्लस 15, बराबर, तो ये 1 जो 15 में 1 10s है, 4 10s में ऐड कर लो इसको, सो 5 10s हो जाएंगे, और 1s में सिर्फ 5 बचेंगे। चलिए ये रीग्रुपिंग हो गया, नंबर कौन सा बनता है, अगर अगर नंबर बनाना है तो 3 10s 1 1s 31, 7 10s 0 1s 70, 7 10s 3 1s 73, 9 10s 8 1s 98, 5 10s 5 1s 55, बराबर ना। तो ऐसे हमने नंबर भी डिसाइड कर लिया। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब क्या कहा है क्वेश्चन 8 में, क्वेश्चन 8 में क्या कहा है, इन ए क्रिकेट मैच प्लेयर्स स्कोर रन्स, भाई क्रिकेट में तो रन करना पड़ेगा ना, स्टडी ईच सर्कल, ये सर्कल को हमें स्टडी करना है, ईच बिग डॉट इक्वल्स टू 10 रन्स, ये जो बिग डॉट है ना इसका मतलब है 10 रन्स, ईच स्मॉल डॉट इक्वल टू 1 रन, ये जो छोटे राउंड है वो 1 रन है, फाइंड द टोटल रन्स, अरे बाप रे ये तो बहुत इजी है, मगर चलो टोटल रन कितने हुए वो स्कोर हमें लिखना है। देखो ये राहुल का सर्कल है, राहुल के बड़े सर्कल में ये 2 बड़े राउंड दिए हैं, एक का मतलब 10, दूसरे का मतलब दूसरा 10, 10 और 10 20 हो जाएगा, ये छोटे सर्कल का मतलब 1, बराबर 10 10 20 21 22 23 24, ये रहा 24 हो गया। करण ने क्या किया, देखो करण ने तो बहुत रन स्कोर किए हैं, 1 2 3 4 बड़ा सर्कल है ना, 10 110 20 110 30 एंड 40,
और ये वन वन वाले 40 हुआ, 41 एंड 42 हो गया। चलिए कार्तिक ने क्या किया था, कार्तिक ने देखो 3 बड़े राउंड स्कोर किए और 5 छोटे राउंड। बड़े राउंड का मतलब 10, सो 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35 कार्तिक का स्कोर हो गया 35। और सुनील का स्कोर, अब सुनील ने क्या किया, सुनील ने भी अच्छा स्कोर किया है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 बड़े सर्कल हैं। बड़े सर्कल का मतलब है 10 रन, 10, 20, 30, 40, 50। और ये 1 छोटा, यानी 51 रन स्कोर किए सुनील ने। चलिए मजा आ गया भाई। तो इसके साथ ही प्रैक्टिस टाइम की एक्सरसाइज हमने कर ली, बराबर। वीडियो के सेकंड पार्ट को अब यहीं पर रोकते हैं, बराबर। चेक योर प्रोग्रेस की एक्सरसाइज हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। तब तक गुड बाय।